हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बने रहिए मेरे वीडियो में। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। चलो चलते हैं, बहुत सारा काम करना है और मेरे हस्बैंड को ड्यूटी जाने का लेट हो रहा है, इसलिए जल्दी से फिर मिलते हैं। आप लोग बने रहिए, ठीक है? चलो चलते हैं, अभी ये सारे कपड़े भी उठाने। मेरे यहाँ फूल उगे हैं और नए नए फूल उगे हैं, और एक पता है गुलाब का एक ही ताज़ा खिला हुआ था, बाकी मुरझा गए थे, इसलिए मैंने एक ही तोड़ लिया। और आप लोगों को पता है फ्रेंड, मेरे यहाँ पहले ईंटें बिछे थे तो अब वहाँ पे मोरम सीमेंट डाल दी गई है और अब अच्छा हो गया। मेरी मम्मी आ रही थी, कूड़ा डाल के आई थी, और ये मैं पूजा करने आ गई क्योंकि मैंने सारे भगवान जी को नहला के रख दिया प्लेट में। और ये मैं अब धुल रही थी, वो सारा उनका सामान बर्तन भगवान जी के सारे धुल रही थी। और मेरे हस्बैंड को लेट हो रहा था ड्यूटी जाने के लिए, मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी। 7 बजा था तब, उनको निकलना है 8:30 बजे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। पूजा हो जाती है फिर मैं खाना बनाऊँगी। जो लोग मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहरम सदा वसंतम हृदयाल बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम तुलसाय नमः। ओम तुलसाय नमः। ओम तुलसाय नमः। तुलसाय नमः। ओम तुलसाय नमः। ओम नमः शिवाय। 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 ओम तुलसाय नमः। ओम तुलसाय नमः। ओम तुलसाय। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। हेलो फ्रेंड, फाइनल पूजा हो गई है सारी। और मैं कढ़ी पता है 2 में क्यों पका रही हूँ, क्योंकि देर हो रही थी, हस्बैंड को ड्यूटी जाना है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं कढ़ी 2 में ही पका रही हूँ। चावल में कुछ होता तो है नहीं, रेडीमेड चावल साफ़ होते हैं, पर आदत पड़ी होती ना गाँव की, उसमें धान होता था तो आदत तो एक बार में तो छूट नहीं जाएगी, तो इसलिए यहाँ कर लेती हूँ। बाबू तुम फ्रेश हो या ना, धो लो आके। हाँ टाइम से ना धो लो, हम खाना बना दे रहे, कड़ी पकी जा रही, बस चावल रख के रोटी बना देंगे, तुम जल्दी तैयार। फिर ये ना कहना तुम्हारे वजह से लेट हो गया। हेलो फ्रेंड, खाना बन के रेडी हो गया है, कड़ी चावल रोटी, और ये देख सकते हैं मम्मी का खाना है, ये पिताजी का है, ये हस्बैंड का है। और हस्बैंड को मैंने घी डाला है क्योंकि उन्हें कड़ी में घी डाल के पसंद है। और बिट्टू के पापा ड्यूटी जा रहे थे तो रोज़ की जो आदत है उसकी, रोज़ घुमाते हैं उसको बाइक में बिठा के पूरी फील्ड में, तो वही घूम रही है। बिट्टू कहाँ जा रही हो? आओ इधर बिट्टू, देखो इधर, देखो बिट्टू इधर देखो। ओ नहीं देखेगी, ओ पापा के साथ में जा रही है ना, इसलिए। हेलो फ्रेंड, बोलो। हेलो फ्रेंड बोलो। कह तो बिट्टू के पापा ड्यूटी चले गए हैं, हम खाना खा रहे हैं अभी। हैं अभी रो रहे, छोड़ नहीं रहे, खाना भी नहीं खाने दे रहे हैं। अब बिट्टू के पापा ड्यूटी चले गए। हां चले गए ना, अब हम लोग खाना खा रहे हैं। आओ फ्रेंड खाना खा जाओ, बोल दो कदो आ जाओ, आप लोग खाना खा जाओ। रो रहे हैं वो लोग। ठीक है फ्रेंड, खाना खा के मिलते हैं, हम खाना खा रहे हैं और फिर मिलते हैं खाना खा के। आ जाइए आप लोग, खा जाइए। हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब फैमिली, चलो छत पे चलते हैं और बिस्तर उठाने हैं और रील बनानी है थोड़ी सी, और धूप भी बहुत हो रखी है, तो चलो हम लोग बिस्तर उठाते हैं क्योंकि ओस पड़ी है ना, ओस में हम लोग लेटते हैं तो ओस से बिस्तर गीले हो जाते हैं, इसलिए धूप में थोड़ी देर पड़े रहते हैं,
जब खाना वाना बन जाता है, सारा काम हो जाता है, उसके बाद जाते हैं बिस्तर बिस्तर हटाने के लिए। तो अब चलते हैं, मतलब नीचे खाना वाना हो गया, बर्तन फिर भी पड़ा है, तो चलो चलते हैं बिस्तर उठाते हैं चल के। मेरे वीडियो में नए आए हैं तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरा वीडियो पूरा देखना प्लीज़ फ्रेंड, मेरा वीडियो पूरा देखना प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट करना। पता है फ्रेंड, बहुत धूप है, मैं जल्दी जल्दी कपड़े समेट रही थी क्योंकि अभी मुझे रील बनानी है और शूट करना है, एक दो चार रील बना लूँ। बहुत ज़्यादा धूप है, बज रहे थे दोपहर के, कितने बज रहे थे, 11 बज रहा है शायद। और ये मैं मतलब बिस्तर में कमरे के अंदर रखती हूँ, बाकी चारपाई बारामदा के नीचे रखती हूँ, तो बस वही कर रही थी सब। और मुझे भी बर्तन भी धोने जाना, और ये देखो बर्तन मैं धो रही हूँ, बर्तन धुल जाएंगे मेरे। और मेरा बिट्टू है, बहुत रो रहा था, वो झूले में नहीं रुकती है, तो वो अपना वहाँ पे सो गई थी, तो मैंने सोचा जल्दी से बर्तन धो लेती हूँ। तो मैं बस बर्तन, जो भी मेरे चैनल में नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करिए जब, प्लीज़ सपोर्ट। हेलो फ्रेंड, मेरा सारा काम हो गया है, अब बचे हैं ये सारे, बेड में कपड़े पड़े हुए हैं, मेरे बिट्टू वहीं पे खेल रही है, और ये सारे कपड़े पैक करने हैं, गई थी तब से ऐसे ही पड़े थे, तो ये सारे कपड़े इस बैग में पैक करने हैं, और बने रहिए मेरे साथ, और ये मैं पैकिंग कर लेती हूँ। पता है गांव से आने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता, मम्मी नहीं है मेरी, ख़त्म हो गई थी, फिर भी मतलब भाभी भैया पापा सब लोग हैं, मम्मी की कमी महसूस नहीं होने देते हैं, इसलिए आने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी बिना राखी बांधे चली है। उसके लिए भाई सॉरी, सब लोगों, बच्चे कितना उतावला हो रहे थे राखी बंधवाने के लिए, फिर भी मैं चली आई। सारे बच्चे सब स्कूल गए हुए थे तो मुझे आना था, यहाँ लेट हो रहा था इसलिए चली आई। और ये साड़ी मेरी बुआ ने दी है, जो बड़ी बुआ है हस्बैंड की बुआ, उन्होंने दी है, बहुत प्यारी साड़ी है, कॉटन की है, गर्मियों में पहन सकते हैं। और ये ब्लाउज़ मेरी सिस्टर, मेरी बहन ने सिला है, मेरे दादा की लड़की है निधि, उसने सिला है, मुझे बहुत प्यार करती है। और मैं ये कल साड़ी पहनने वाली हूँ, और ये ब्लाउज़ मेरी बड़ी भाभी ने सिला है, और बड़ी भाभी मतलब मेरे घर में सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैंने आपसे बोला, आप लोगों से बोला मैंने, फ्रेंड ये मेरी बिट्टू कैसे देख रही है मुझे, और ये वाला भी ब्लाउज़ मेरी बड़ी भाभी ने सीना, ये दोनों ब्लाउज़ मेरी बड़ी भाभी ने सिले हैं। और प्लीज़ फ्रेंड, मेरे वीडियो में नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग सब लोग मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, बस और ज़्यादा सपोर्ट करते रहें। और मेरा बैग पैक हो गया है, अब चलते हैं, आराम करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हेलो फ्रेंड, आई होप मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना, और बज रहे हैं शाम के 5, और सॉरी मैं आगे का वीडियो शूट नहीं कर सकती, शाम को बनाऊंगी मूंग की दाल, और क्योंकि इसलिए नहीं शूट कर सकती क्योंकि लाइट नहीं आ रही, मेरे यहाँ 3 दिन से लाइट नहीं आई है, तो इस वजह से मैं बाहर बैठी हूँ, हवा खा रही हूँ, अंदर बहुत गर्मी लग रही है, बिट्टू मेरी गर्मी की वजह से बहुत रो रही है, हाय बोलो बिट्टू, और गर्मी की वजह से बहुत रो रही है, और आगे वीडियो शूट करूँगी तो अंधेला है, तो अंधेरे की वजह से शूट नहीं हो पाएगा आगे का वीडियो, इसलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, और सपोर्ट ज़रूर करिएगा, आप अपना अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। लोग देखो बाहर हवा खा रहे हैं, लाइट नहीं आई है 3-4 दिन से। माय यूट्यूब फैमिली, अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, बाय बाय।